और इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश कीजिए। 31 दिसंबर के आसपास दिनेश सिंह ने अपनी मेंबरशिप ली अनुभव मित्तल के साथ, जो भी उसने 57,000 पे करे या जो भी अमाउंट पे करा, 31 दिसंबर को मेंबरशिप ली। 11 जनवरी को अखिलेश यादव फेसबुक के डायरेक्टर्स के साथ फोटो डालते हैं, उन्होंने टाइप करा फेसबुक के लिए ताकि फेसबुक स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करे। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, यूपी में कितने एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं? एक भी नहीं। मैं पिछले 25 साल से आईटी में हूँ, शायद सारी दुनिया देख चुका हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट काम करे हैं मैंने। सपने में भी अगर मैं कंपनी एस्टैब्लिश करूँ तो शायद यूपी का नाम नहीं आता है। पहला नाम आता है बैंगलोर, फिर हैदराबाद, फिर गुड़गांव, ज्यादा से गुजरात चला गया मैं या बॉम्बे चला गया, यूपी का तो नाम ही नहीं आता है। तो सबसे बड़ी बात है, फेसबुक को ऐसा क्या दिखा कि वो अखिलेश यादव के साथ छोटा बिजनेस प्रमोट करने यूपी में आ गए पर बैंगलोर छोड़ा है? बैंगलोर में मैं 1 साल रहा हूं, हैदराबाद में भी रहा हूं, हर जगह रहा हूं, मैंने वहां देखा है आईटी इंडस्ट्री के जितने एंटरप्रेन्योर्स वहां रोज पैदा होते हैं शायद उतने यूपी में पूरा स्टेट मिला के भी नहीं होते जितने एक सिटी में होते। तो फेसबुक छोटा बिजनेस प्रमोट करने यूपी में क्यों आया, बैंगलोर क्यों नहीं गया? उसके बाद दिनेश सिंह ने कंप्लेन करी जिस जनवरी के एंड में, शायद 31 जनवरी को उन्होंने कंप्लेंट करी, 2 फरवरी को अनुभव पटेल को अरेस्ट कर लिया एसटीएफ ने, अनुभव मित्तल को अरेस्ट कर लिया एसटीएफ ने। दिनेश सिंह एसटीएफ यूपी के एम्प्लॉई हैं, उन्होंने कंप्लेंट करी और एसटीएफ ने अरेस्ट करा। मैं सवाल ये पूछता हूं, क्या दिनेश सिंह को प्लांट करा गया था? दिनेश सिंह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, यूपी पुलिस में काम करते हैं, क्या लॉ के हिसाब से वो ऐसी स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगर दिनेश सिंह नहीं कर सकते, वो अपनी वाइफ के नाम से खोल सकते थे, क्योंकि हर एडल्ट है उसकी वाइफ, वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है, कोई काम चला सकती है, लेकिन दिनेश सिंह ही क्यों? इसका मतलब साफ है कि दिनेश सिंह को यूपी सरकार ने पहले प्लांट करा, प्रॉब्लम क्रिएट करी गई, फेसबुक से टाइप करा गया और उसके बाद अनुभव मित्तल को अरेस्ट करके सारी साइटें बंद कर दी ताकि फेसबुक का धंधा चल जाए। अखिलेश यादव को इसमें क्या फायदा है? क्या अखिलेश यादव ने अपने इलेक्शन मार्केटिंग के लिए फेसबुक को फ्री में इस्तेमाल करा है? डेट मैच नहीं करती है, जो चेन ऑफ इवेंट है उससे डेट मैच नहीं कर सकती है। अगर दिनेश सिंह ने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट प्राइमा फेसिया अगर जेन्युइन भी है तो पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इकोनॉमिक विंग को ट्रांसफर करती है, ये जो भी फाइनेंशियल आर्म है वो इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बाद में जाके अरेस्ट होता है, पहले ये नहीं होता है। अरेस्ट होके धंधा बंद कर दो, अकाउंट फ्रीज कर दो और उसके बाद जाके इन्वेस्टिगेशन करो। तो इसके पीछे बड़ा सीधा सा जो प्राइमा फेसिया, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि भैया ऐसा करा क्यों? फेसबुक यूपी में आके छोटा बिजनेस प्रमोट करेगी, आधे यूपी वालों ने के पास मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आता नहीं है जैसा कि सरकार बोलती है, तो बेंगलोर में क्यों नहीं कर रहे भाई, यूपी में क्यों कर रहे हो? फेसबुक यूपी में क्यों हो? अनुभव मित्तल वॉज वन गाय जिसकी कैपेसिटी थी कि अगले 1 साल में फेसबुक को बंद कर सकता है। फेसबुक को 1 साल लगा था 1 मिलियन फॉलोअर्स करने में, सब्सक्रिप्शन करने में, अनुभव को शायद 1 हफ्ता लगा था। मेरे हिसाब से आज के
मतलब जितना मैंने स्टडी करा है अभी बाकी है, क्योंकि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मंगाई है एसटीएफ से अपने सोर्सेज के थ्रू, जो मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, शायद एक हफ्ते में आएगी। उसके बाद मैं खुले आम डीजीपी यूपी से सवाल करूंगा। मैं चाहता हूं आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें, या तो मेरे ट्वीट्स को आप फॉरवर्ड करें या मेरे ट्वीट्स को कॉपी करके आप अपने आप लिखिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। इतनी हैसियत तो नहीं है कि मैं आपको लीड कर सकूं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आई एम नॉट हेयर टू लीड यू, नीदर आई एम हेयर टू फॉलो यू, बट आई विल वॉक विथ यू इन एवरी स्टेप। मेरे पास जितनी और जानकारी है मैंने अपने सोर्सेस को बोला हुआ है, मेरे पास एक दो दिन में आ जाएगी, अगले सैटरडे तक मैं लेके चलता हूँ, मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, मैं अपने क्वेश्चंस बनाऊंगा और मैं डीजीपी यूपी और अखिलेश यादव से सवाल पूछूंगा कि आखिर गलती है किसकी। हम सब इसके साथ हैं। एसटीएफ प्राइमा फेसिया शुड नॉट बी द पार्टी टू अरेस्ट अनुभव मित्तल, लाउड एंड क्लियर। वो लॉ ब्रीच, ये बात तो बिल्कुल एस्टैब्लिश। अगर मैं कह रहा हूं अनुभव मित्तल ने फाइनेंशियल क्राइम करा भी है, पॉन्जी स्कीम भी है, तो एसटीएफ का रोल क्या है? क्या वो क्रिमिनल है? नो सर। क्या वो भागा था? नो। क्या वो भाग रहा था? नो। मेरी बहुत सारे लोगों से जो मेरा अपना सर्किल है उसमें बात हुई, सबने कहा मेरा रिटर्न टाइमली आया। यहां एक बात और समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये उनके लिए है जिनके पैसे शायद जनवरी में नहीं आए थे और जिन्होंने प्रेशर होके दिनेश सिंह के साथ कंप्लेंट पे साइन करा था। मैंने जैसे कहा मैं आईटी इंडस्ट्री का हूं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करे हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट सिस्टम माइग्रेट करता है तो पेमेंट फ्रीज हो जाता है, सारे पेमेंट, चाहे वो एम्प्लॉय सैलरी हो, चाहे जैसे अगर कोई आईटी इंडस्ट्री का यहां पर है वो मेरी बात शायद समझ सकता है, अगर मेरा सिस्टम ओरेकल पेमेंट रन कर रहा है एम्प्लॉयज के लिए और मुझे एसएपी में माइग्रेट करना है तो पेमेंट फ्रीज होती है ताकि माइग्रेशन पूरा हो जाए, उस माइग्रेशन में टाइम लगता है। अनुभव ने जनवरी में माइग्रेशन हो रहा था जिसकी वजह से पेमेंट, डेली पेमेंट को उसने वीकली करा, डीमोनेटाइजेशन के वजह से भी फर्क पड़ा तो उसने कहा हम वीकली करेंगे बाद में हम रेगुलर कर देंगे, तो वो भागा तो नहीं, पेमेंट तो कर ही रहा था। Yes. रोज नहीं आई तो हफ्ते में आ गई, और उसने साफ लिखा है जहां तक मैंने पढ़ा है कि 24 जनवरी से पेमेंट रेगुलर हो जाएगी एज इट यूज टू बी। तो ये मिस्टर दिनेश सिंह ने क्या काम करा जो इनके पेमेंट नहीं आई, और उसके बाद इन्होंने वाकई में अगर स्कीम ली थी कि इन्होंने कोई क्लिक करे है नहीं करे है। इस बिजनेस से एक चीज और समझिए, ये भी उन लोगों के लिए जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं अनुभव मित्तल को, कि ये पॉन्जी स्कीम है। पॉन्जी स्कीम है नहीं सर। पॉन्जी स्कीम पता क्या होती है? दिनेश के अकाउंट में कुछ पेमेंट ट्रांसफर हुआ है, बताइए। 23 जनवरी को दिनेश के अकाउंट में 2744 रुपए पेमेंट भी गया है। 24 जनवरी को हमारे नए खाता 2648 रुपए आए हैंगे, और जनवरी में सिर्फ एक ही पेमेंट किया है। सो पेमेंट तो आई है, और जब पेमेंट आई है तो ये पॉन्जी स्कीम कैसे हो गई? अब जरा फेसबुक का मॉडल समझिए। मेरे पेज है फेसबुक पे, साइड में बैनर आता है कि अगर मैं उसे क्लिक करूं तो वो प्रमोट होगा, और कई बार मेरे पर्सनल मेल पे आता है कि अगर आपको अपना पेज प्रमोट करना है तो आपको एक्स अमाउंट देना है, यानी 138 रुपीज, और किस टारगेट को मुझे करना है, ये शायद वीकली या डेली का पेमेंट है, कैलकुलेट करिए तो ये आता है आपका 8 रुपए पर क्लिक। यानी अगर अनुभव मित्तल फेसबुक से बाहर निकल के छोटी कंपनियों को प्रमोट कर रहा है तो ये पॉन्जी स्कीम है, ये तो फेसबुक मॉडल है, यही गूगल एडसेंस का मॉडल है।
तो यहाँ पर अनुभव मित्तल ने कौन सा गुनाह कर दिया कि उसको जेल में बंद करने की जरूरत पड़ी? सर ऐसा है, मैं फेसबुक का फैन नहीं हूँ और तो बच्चे होते हैं, मेरे लिए फेसबुक कोई माने नहीं रखता है। बंद कर दीजिए, कल मुझे बड़ी खुशी होगी। दूसरा सवाल, जब फेसबुक प्रमोट कर रहा है तो वो भी तो एक तरह से पोंजी इसकी हुई ना, कि अगर मेरे को आप प्रमोट कर रहे हो, अब आप एक बार समझिए, मीडिया आपको कवर क्यों नहीं कर रहा है? मीडिया आपको कभी कवर नहीं करेगा, प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो कोई भी हो, आपको मीडिया कवर नहीं करेगा। आपको सोशल मीडिया यूज करना है और उससे आवाज को बाहर पहुंचाना है, क्यों नहीं करेगा? कोई भी मीडिया हाउस उठा के देख लो, उसका ऑफिस कहाँ है? नोएडा में। नोएडा किसके अंडर आता है? जो सरकार का, यूपी सरकार का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का हेड है, उसका नाम है नवनीत सहगल। नवनीत सहगल के बारे में अगर पढ़ना है तो मेरे ट्विटर पे मैंने उसकी अभी कुछ दिन पहले स्टोरी लिखी थी, वो वहां पर है। बिना नवनीत सहगल के पूछे चिड़िया भी पर नहीं मारती है यूपी में। इंडिया टीवी की लैंड गिफ्टेड है, टाइम्स नाउ की लैंड गिफ्टेड है, एनडीटीवी की शुरुआत हुई थी लॉटरी स्कैम से। एनडीटीवी को अगर मेरे एज में आप हो कोई भी और शुरुआत का एनडीटीवी देखा हो तो एक मिनट का स्लॉट रोज आता था जिसमें अरुणाचल लॉटरी का टिकट नंबर बताया जाता था। जानता है कोई? जानते हैं, ये 800 करोड़ का धंधा था जिससे एनडीटीवी आगे बढ़ा। जी न्यूज नेशनलिस्ट न्यूज है, लेकिन जरा जी न्यूज का इतिहास देखिए, जी टीवी शुरू कैसे हुआ था 750 करोड़ लॉटरी स्कैम से, और ये सब नोएडा में बैठे। तो आपको मीडिया कवर नहीं करेगा, ये मैं आज लिख के दे रहा हूं, इसलिए मीडिया का रोना बंद कर दो, अपनी बलबूते पे चलो। ट्विटर पकड़ो, फेसबुक को ही पकड़ो, फेसबुक को मारने के लिए पकड़ो। अगर आप सबके कम से कम 10-10 अगर आप सबके कम से कम 50 फ्रेंड्स भी फेसबुक पे हैं तो आप जरा चेन रिएक्शन कैलकुलेट कर लिए, क्या बिंदास होगी। जब मैं अभी एक हफ्ते के बाद सवाल करूंगा, उसको जितना फैला सकते हो फैलाओ, जिसको टैग करना करो, नरेंद्र मोदी को टैग करो, अरुण जेटली को टैग करो, फाइनेंस मिनिस्ट्री को टैग करो, सवाल पूछो गलती है कहां। वो फेसबुक पे आप लिखोगे और नहीं आएगा उसके लिए, क्योंकि पीछे बैकएंड पे ब्लॉक है, और वो ब्लॉक इसलिए है क्योंकि ये आगे फेसबुक से आगे ना बढ़े, इसलिए फेसबुक ब्लॉक करेगा। तो फाइनली ये है कि इसको, इस लड़ाई को आप सबको मिलके लड़ना है। मेरे से जो हो सकता है, मेरा टाइम, मेरे एनर्जी, मेरा इन्वेस्टिगेशन, वो सब मैं दूंगा आपको, वो सारी चीजें मैं आपको दूंगा। आप ये उस आप अपना शुरू कीजिए, फिर बैनर बनाइए, पोस्टर बनाइए, सोशल मीडिया पे डालिए। जितने भी सरकारें हैं, अखिलेश यादव को, यूपी गवर्नमेंट को, यूपी पुलिस को टैग कीजिए, सवाल पूछिए, इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम अगर आप लगाएंगे तो आपको कोर्ट में कोई भी घसीट सकता है। मेरे को आज तक, मैंने कम से कम 180 खुलासे करे हैं पिछले एक साल में, जो किसी मीडिया, टोटल मीडिया पुट टुगेदर दे हैवंट डन इट। मेरे ट्विटर हैंडल को 10 जनपद और ISI सबसे ज्यादा फॉलो करता है इंडिया के अलावा, लेकिन आज तक मेरे पे एक भी FIR नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैं केवल सवाल पूछता हूं, सवाल इतने तगड़े होते हैं कि जवाब नहीं दे सकता कोई। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब सवाल पूछिए। क्लू सवाल का जो टिप है वो आप मेरे ट्विटर हैंडल से उठा सकते हैं, या और जो आपके भाई बंधु हैं वहां से उठा सकते हैं। ये लड़ाई अब रुकनी नहीं चाहिए। अनुभव वापस आएगा, अनुभव वापस आएगा, वैसा ही काम करेगा। और आप लोग जैसे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मध्यम वर्ग के भी लोग हैं,
जिनके घर में लेडीज खाली हैं, आता है कंप्यूटर, फेसबुक यूज करना आता है, दिन में 100-200 लाइक कर दिया, पेनिट्रेशन बढ़ गया। और होता क्या है, इस मॉडल को भी एक छोटा सा क्लिप देकर समझाता हूँ। मान लीजिए मेरी एक छोटी सी कंपनी है, दुकान है, भले ही मैं बहुत अच्छी मिठाई